हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विद मिराकल चैनल में। आज के क्लास में जाने वाले हैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपको वर्धक, विष, संबंधक और एंजाइम। क्लियर? यानी आज के क्लास में जानने वाले कि प्रोमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था आपको कि किस तरह के आपको हमने बताया था कि उत्प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि उत्प्रेरक को, कैटलिस्ट को कितने टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर, इस वीडियो का लिंक वीडियो से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे आपको वर्धक, विष, संबंधक और एंजाइम। अभी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कभी भी किसी भी क्लास को मिस न कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्धक क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है। वर्धक क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है। वर्धक, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह वर्धक का काम क्या हो सकता है। ठीक है, प्रोमोटर यह क्या करता है, प्रोमोट करता है, यानी कि यह ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को और तेज कर देता होगा। चूंकि इसका नाम से ही पता लग रहा है, इसका स्पेलिंग क्या है, प्रोमोटर है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह क्या करता है, प्रोमोट करता होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, स्पीड को, रासायनिक अभिक्रिया के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी मिल जाती है किसी केमिकल रिएक्शन में तो अभिक्रिया की रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, स्पीड उनकी बढ़ा देते हैं, रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं एक कैटलिस्ट का काम नहीं करते, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। इसलिए कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बट स्वयं वे कैटलिस्ट का कार्य नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं वे कैटलिस्ट नहीं होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज नहीं करते, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखा हुआ भी हमको चाहिए, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कभी कभी, कभी कभी बाह्य पदार्थ की ठीक है, बाह्य पदार्थ की अल्प उपस्थिति, अल्प उपस्थिति से भी, ठीक है, अल्प उपस्थिति से भी उत्प्रेरक की तीव्रता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, परंतु वह पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी कोई पदार्थ होता है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा भी अगर आपको मिल जाती है तो जो कैटलिस्ट का यूज हुआ है वह कैटलिस्ट को स्पीड को क्या करता है, और बढ़ा देता है, यानी कि कैटलिस्ट का स्पीड बढ़ जाता है और रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, तो वह आपको पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरकीय क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक कार्य नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्धक कहलाते हैं, प्रोमोटर कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि कह रहा है
कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर मिल जाती है तो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय की कैपेसिटी को पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वैसे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रमोटर करते हैं, और वैसे पदार्थ क्या करते हैं, वर्धक करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में आपको वर्धक क्या आ सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एन टू है और एच टू है, एन टू एच टू से रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है अमोनिया गैस, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपको, अमोनिया गैस बनाता है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर थ्री हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, टू हो गया। अब यहाँ पर हमारा एफ ई जो क्या है, उत्प्रेरक का काम करेगा। एफ ई क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या आ गया, प्रमोटर आ गया, जो एफ ई की उत्प्रेरकीय क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, वह है आपको एमओ। यह है वर्धक, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस बनाता है, उसमें आपको कैटलिस्ट एफ ई यूज हुआ है, लेकिन इस एफ ई के यानी फेरस के उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ाने वाला क्या है, यहाँ पर मोलिब्डेनम है जो यह वर्धक का काम करेगा। अगर यह थोड़ी सी मात्रा भी इसके यूज में आ रही है, यह एफ ई की जो कैपेसिटी है थोड़ा सा और क्या रहती है, बढ़ जाती है। यानी एफ ई की उत्प्रेरकीय जो क्षमता है वह क्या रहती है, बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर एफ ई कैटलिस्ट हुआ और एमओ क्या हो गया, प्रोमोटर हुआ, ठीक है। इस तरह होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहां पर क्या है, वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। यानी कि वनस्पति तेल का क्या करते हैं, हाइड्रोजनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो वहां पर आपको निकेल जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन इसी के साथ अगर कॉपर आ जाए, कॉपर वर्धक, तो कॉपर अगर क्या आता है आपको, ये क्या है, प्रोमोटर है, यहां बनता है वनस्पति घी। ठीक है, यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनाइजेशन हाइड्रोजनीकरण होता है, यहाँ पर एनआई कैटलिस्ट करके उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन वहीं उसमें अगर आपको कॉपर की मात्रा आ जाती है, कॉपर प्रमोटर है, तो यह एनआई की जो उत्प्रेरक की क्षमता है, पावर है, उसको क्या करता है, और बढ़ा देता है, तब जाकर क्या बनता है, वनस्पति घी होता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। जो प्रमोटर का काम क्या होता है, प्रमोटर का कार्य यही होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया के जो रिएक्शन में कैटलिस्ट है उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि जो स्पीड उसकी होगी, जो रेट दर करने की स्पीड जो होगी उसको और क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रमोटर का यूज किया जाता है। अब हमारा देखते हैं पॉइजन क्या है। अब हम बात करने वाले हैं पॉइजन क्या है, विष क्या है। विष पॉइजन, पॉइजन विष, इसका क्या मतलब है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, पॉइजन है, विष है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए पॉइजन का काम करता है, विष का काम करता है। तो वह पदार्थ का काम क्या हो सकता है कि वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरकीय जो क्षमता होगी उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के उत्प्रेरकीय जो क्षमता होगी, जो उत्प्रेरक होंगे, उसकी सक्रियता को क्या कर देगा, घटा देगा, उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी कि वैसे पदार्थ क्या हो सकता है कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को, जो उत्प्रेरक की क्षमता को, सक्रियता को क्या करते हैं, घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं, पॉइजन कहते हैं।
एक पॉइजन क्या हो सकता है कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को, उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या घटा देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किसके लिए कौन से पदार्थ कहते होगा। लिखेंगे वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता या सक्रियता, ठीक है, क्षमता को हो या दक्षता को हो, बात क्या है, एक के है, दक्षता सक्रियता को घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं या विष कहलाते हैं, लिखने से ये प्रैक्टिस होगा कि लिखने से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ते हैं तो भी आपको याद हो सकता है, और आपको यहाँ आपको माइंड में टेकअप रहेगा, माइंड में सेट रहेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम केवल लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर देने के बाद आप हो सकता है कि उसमें से कुछ टॉपिक मिस भी हो सकता है आपसे, इसलिए हम लिखने का भी कार्य करते हैं और बताने का भी काम करते हैं कि लिखने से ये होता है कि आपका माइंड जो है, आपका फोकस जो है, आई फोकस जो है, आपको बोर्ड पर होगा, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी होगा, आपको याद भी होगा। अगर आप कभी मिस भी कर जाते हैं तो आप फिर वीडियो को दोबारा वॉच करके उसको राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की दक्षता या सक्रियता को क्या करते हैं, घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी कि जो उत्प्रेरक लगा होगा केमिकल रिएक्शन में, उसी के साथ एक अन्य उत्प्रेरक जैसा पदार्थ लगेगा, ये उत्प्रेरक कार्य करता नहीं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है आपका रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सल्फर 2 ऑक्सीजन 6 और सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पर हो गया 2 2 4 4 2 6 2 2 3 6 2 2 4 6 हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक लगता है, यहाँ पर उत्प्रेरक जो है आपको प्लैटिनम लगता है, उत्प्रेरक के रूप में क्या लगता है, प्लैटिनम लगता है। लेकिन एक अन्य बाहरी पदार्थ यहाँ पर हम लगा देते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड यह क्या करता है, विष का कार्य करता है, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या करता है, विष का कार्य करता है, जो पीटी की उत्प्रेरक क्षमता को क्या करता है, नष्ट कर स्वयं कार्य करने लगता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विष, पॉइजन, कैटलिस्ट, पॉइजन। तो यहाँ पर आर्सेनिक जो ऑक्साइड है वो क्या है, विष का काम करेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपको, अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है। यहां पर आपको कैटलिस्ट के रूप में Fe यूज किया गया, Fe कैटलिस्ट है। लेकिन इसी के साथ एक बाहरी पदार्थ, अगर हम आपको हाइड्रोजन सल्फाइड लगा दे, यह क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है विष का कार्य कर लगता है, जो Fe की उत्प्रेरक की क्षमता को, दक्षता को क्या करता है, घटा भी सकता है। तो इस तरह के पदार्थ को नाम है क्या, विष, यानी कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की दक्षता को, संक्रियता को क्या करता है, घटा देता है या नष्ट कर देता है, उत्प्रेरक की विष कहलाता है। तो यहाँ पर आपको आर्सेनिक ऑक्साइड जो है
कैटलिस्ट पॉइजन का काम करेगा। यहाँ पर जो सल्फ आपको हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वह क्या करता है, पॉइजन का काम करता है। तो इस तरह के पदार्थ को, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग रिएक्शन के लिए, अगर अलग अलग के लिए आपको पॉइजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनहिबिटर। इनहिबिटर संबंधक क्या है, चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संबंधक। स्पेलिंग होता है इनहिबिटर। संबंधक क्या है, इनहिबिटर कहता है कि वैसे सब्सटेंस होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की जो क्या है रेट है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। संबंधक क्या होता है, संबंधक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं या उसकी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, संबंधक क्या होते हैं, संबंधक वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो रेट है, जो रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करता है, कम कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, संबंधक कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं क्या होता है कि लिखेंगे वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं या अभिक्रिया के वेग को, या अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं, संबंधक कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के रोक देते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रोसेस को होने नहीं देते हैं या उसकी रेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन होगा लेकिन स्लो मोशन में होगा। ठीक है, स्लो मोशन में होगा, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे, उस तरह के पदार्थ का संबंधक कहेंगे। और एग्जांपल में हम देखते हैं आपको, जैसे H2O2 है, इसका हम विघटन करते हैं तो यहाँ पर ग्लिसरीन जो है संबंधक के रूप में अगर लगाया जाता है तो रिएक्शन तो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि H2O2 का अगर क्या करेंगे, विघटन करेंगे और यहाँ पर आपको संबंधक के रूप में ग्लिसरीन का यूज होता है तो रिएक्शन को रोक देगा या तो इसको रिएक्शन को धीरे धीरे होने देगा और धीरे धीरे होने के बाद ही बनेगा, यानी कि समय लग सकता है, यानी कि इसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन रिएक्शन होगा। ये इस तरह के पदार्थ का नाम क्या है, संबंधक कहलाते हैं और इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देंगे या तो उनको नष्ट भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। लास्ट टॉपिक है आपका एंजाइम। तो एंजाइम उत्प्रेरण भी होता है, एंजाइम कैटलिस्ट भी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वैसे पदार्थ होता है जो नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक होता है। नाइट्रोजन युक्त आपको क्या है, कार्बनिक यौगिक होता है जो जैव पद्धति में, जैव विकास में, जैव पद्धति प्रोसेस में क्या कहता है, इसका यूज करता है। या एंजाइम वैसे प्रोटीन्स है जो आपको जंतु या पौधों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है,
यानी जंतुओं के द्वारा या पौधे के द्वारा क्या कहते हैं प्रदान किया जाता है उसको कहते हैं एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त क्या है कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम क्या है एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त क्या है कार्बनिक यौगिक है जो आपको जंतुओं या पौधे द्वारा क्या कहते हैं प्रदान किए जाते हैं उत्पन्न किए जाते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल ठीक है एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जंतुओं या जीवित पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है यानी कि एंजाइम आपको नाइट्रोजन युक्त क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको एनिमल्स और प्लांट दोनों के द्वारा किया जाता है उत्पन्न किया जाता है प्रदान किया जाता है। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी कर सकते हैं एंजाइम क्या है आपको प्रोटीन्स है। एंजाइम क्या है एक प्रकार का क्या है प्रोटीन्स है जो आपको जैव पद्धति जो प्रोसेस होता है जैव पद्धति प्रोसेस प्रक्रिया में क्या होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से जो जैव पद्धति अभिक्रिया को क्या करते हैं उत्प्रेरित करते हैं। जैव पद्धति यानी कि बायो सिस्टम में जो रिएक्शंस होता है उसको क्या करते हैं उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है दूसरा परिभाषा दे सकते हैं अथवा एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन्स हैं जो जैव पद्धति अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है जैव पद्धति अभिक्रिया क्या करते हैं उत्प्रेरित करते हैं कि यानी एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स विच कैटलाइज एंजाइम आर ठीक है क्या हो सकता है कि एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जटिल प्रोटीन्स है एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स विच कैटलाइज रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम यानी कि प्रोटीन एंजाइम एक प्रकार क्या है प्रोटीन से जो जैव पद्धति अभिक्रिया को क्या करता है उत्प्रेरित करता है उत्प्रेरणा देता है बढ़ाता है। यानी कि बहुत से आपको रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें एंजाइम का यूज किया जाता है। एंजाइम कई तरह के होते हैं हम सब आपको राइट कर दिखाएंगे कि एंजाइम में कौन कौन से पदार्थ हैं जो एंजाइम का काम करेंगे और उसका क्या हमारा यूज हो सकता है। तो ये रहा एंजाइम। अब इसके बाद से आपको एंजाइम उत्प्रेरण होता है एंजाइम कैटलिस्ट। तो हमने अभी देखा कि एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। यानी कि बहुत से आपको जो बायो प्रोसेस है बहुत से आपको बायो प्रोसेस जो एंजाइमों द्वारा क्या होता है एंजाइमों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जितने भी आपको जैव जो क्या है एंजाइम्स हैं वह जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं और जैव रासायनिक उत्प्रेरक होने के कारण इस घटना को हम क्या कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं यह क्या करते हैं आपको बायो सिस्टम यानी कि जैव प्रक्रम को उत्प्रेरित करते हैं और इसको एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत से आपको जैव प्रक्रम में एंजाइम बहुत से आपको जैव प्रक्रम को एंजाइम जो क्या करते हैं उत्प्रेरित करते हैं तो उस जो उत्प्रेरक करते हैं जो उत्प्रेरित करते हैं उस पदार्थ का नाम क्या है एंजाइम उत्प्रेरक और इस घटना का नाम क्या है एंजाइम उत्प्रेरक हो सकता है।
कि एंजाइम उत्प्रेरण, यानी कि एंजाइम क्या होते हैं, आपको बायो सिस्टम यानी जैव प्रक्रम जैव पद्धति में जितने भी अभिक्रिया होती है उसको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो जो उत्प्रेरित करता है उस पदार्थ का नाम क्या है, एंजाइम कहलाता है, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आपको एंजाइम के कार्य में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है पहला इनवर्टेज, इनवर्टेज द्वारा जल का अपघटन। ठीक है, इनवर्टेज जो है आपको क्या करता है, इनवर्टेज जो है आपको एंजाइम है, इनवर्टेज क्या है, एंजाइम है। तो यह क्या करता है, अगर इसके जल का क्या करते हैं, जल का नहीं सुक्रोज का, सुक्रोज का जल अपघटन, इनवर्टेज द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन। तो यहां पर सुक्रोज है C12H22O11 और यहां पर क्या है H2O हो गया। ठीक है, और यहां पर इनवर्टेज हो गया। ठीक है, और इनवर्टेज क्या है, यहां पर उत्प्रेरक का काम करेगा और आपको जो चीनी है, चीनी का जल अपघटन होने पर आपको दो तरह के पदार्थ बनते हैं, एक बनता है आपको ग्लूकोज और एक बनता है फ्रुक्टोज C6। ठीक है, ये आपको बन जाता है, इसका नाम क्या है आपको ग्लूकोज, इसका नाम क्या है फ्रुक्टोज, और ये क्या है आपको सुक्रोज, सुक्रोज के हैं या चीनी। ठीक है, यानी कि ये जैव प्रोसेस है आपको कि चीनी का जल अपघटन किया जाता है इनवर्टेज उत्प्रेरक उपस्थिति में। तो आपको दो तरह से पदार्थ मिलते हैं, एक मिलता है ग्लूकोज, एक मिलता है फ्रुक्टोज, दोनों का ब्रांच एक ही है, नाम अलग है, फॉर्मूला एक ही है, नाम अलग है। तो ये आपको क्या है, ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो इस तरह के नाम का इनवर्टेज, इनवर्टेज क्या है आपको एंजाइम उत्प्रेरक है, क्या है एंजाइम उत्प्रेरक है, और इस घटना का नाम क्या है एंजाइम उत्प्रेरण। और इस अभिक्रिया को जो अभिक्रिया लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को शर्करा का प्रतिपन भी कहते हैं, प्रतिपन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया राइट किया गया है सुक्रोज का जल अपघटन, तो सुक्रोज का जल अपघटन जो रिएक्शन से उसको हम क्या कहते हैं, शर्करा का प्रतिपन, क्या कहते हैं शर्करा का प्रतिपन ही कहते हैं। चलते हैं देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है जानेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज की उपस्थिति में इथेनॉल का, ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज है तो C6 है, H12 है, O6 है। ठीक है, यहां पर आपको जाइमेज उत्प्रेरक आ गया, एंजाइम उत्प्रेरक आ गया, और यह आपको रिएक्शंस को चेंज कर देता है इथेनॉल में C2H5OH+CO2। ये आपका क्या है इथेनॉल है, ये क्या है आपका इथाइल एल्कोहल है, C2H5OH है, इथाइल एल्कोहल है, इथेनॉल है।
ठीक है। और CO2 बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 यूज होगा और यहाँ पर 2 यूज होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन से लिखा जाता है तो आपको बैलेंस करके ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डैमेज क्या है, उत्प्रेरक है, किस प्रकार उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक है, और एंजाइम उत्प्रेरक आपको किस चीज में बदल दिया, एथेनॉल में आपको कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, बायो प्रोसेस है, जीव जंतु के अंदर होने वाली क्या है, सब एक घटनाएं हैं जो आपको बॉडी में भी हो सकता है, जीव जंतु पौधे में हो सकता है। अब चलिए कुछ आपको नोट्स लिखवा दें हम, इसमें आपको कुछ नोट्स देख लें कि कौन से डायग्राम कहां पाए जाते हैं, नोट कर लेंगे। जैसे मान लिया कि यहां पर हमारे पास क्या है, एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्रोत है, यानी कि कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि इनवर्टेज क्या है, आपका एंजाइम है, जाइमेज क्या है, आपका एंजाइम है, डायस्टेज क्या है, डायस्टोज, डायस्टेज क्या है, एंजाइम है, माल्टेज क्या है, एंजाइम है, लैक्टिक बेसिलाई क्या है, एंजाइम है, और यूरिएज क्या है, एंजाइम है, और पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, ठीक है। ये सब क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक है। अब ये कौन कौन से एंजाइम उत्प्रेरक कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के पदार्थ हैं पाए जाते हैं, तो इनवर्टेज और जैमेज, इनवर्टेज जैमेज ये भी आपको ईस्ट में पाया जाता है, ये भी आपको ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। डायस्टेज जो है माल्ट में पाया जाता है, माल्टेज जो है ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक बेसिलाई ये सबको जानता है, लैक्टिक बेसिलाई लैक्टोबेसिलस, तो लैक्टिक बेसिलाई जो है आपको दही में पाया जाता है, लैक्टोबेसिलस हो गया, और यूरिएज जो है सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है, और पेप्सिन जो है उदर में पाया जाता है, ठीक है, दूध में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो इस तरह का आपको क्या है, एंजाइम है, ये रहे आपको चार टॉपिक, प्रोमोटर, पॉइजन, इनहिबिटर और एंजाइम कैटलिस्ट। तो ये आपके चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर इसको लिख भी सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आते हैं कोलाइड सॉल्यूशन। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।